नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कृषि जगत का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम, जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि क्षेत्र में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्या हलचल चल रही है। और आज भी कुछ ऐसी ही खास जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया और खासतौर से किसानों के लिए क्या कुछ कहा, उन्होंने जिक्र किया ना सिर्फ बीज का, बीमा का, बाजार का और बचत का भी। क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं। देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉयल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। साथियों, हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सके, इसके लिए भी पुराने नियम बदले। इस वजह से बीते 4 साल में 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। हम छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले श्रमिकों तक बीमा और पेंशन की सुविधाओं को भी ले आए। छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में 1,62,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, सीधे उनके खाते में। साथियों, किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए। देश ने अपने रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। हमने MSP तो बढ़ाई है, साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश की 1,000 से ज्यादा मंडियों को ई नाम योजना से जोड़कर हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने का एक प्लेटफॉर्म दिया। और इसके साथ ही देश भर की कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण पर भी हमने करोड़ों रुपए खर्च किए। साथियों, आज केंद्र सरकार का कृषि बजट पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया है। हर वर्ष 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। 1,00,000 करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से गांव और खेत के नजदीक भंडारण, इसकी व्यवस्था, कृषि उपकरण जैसी अनेक सुविधाओं का विस्तार, ये सारी बातें तेजी से हो रही है। छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 FPO
किसान उत्पादक संगठन बनाने का अभियान भी जारी है। इस पर भी करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन फंड के आवंटन को भी दोगुना करके 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हमने क्रॉप लोन भी दोगुना कर दिया, तो इस वर्ष 16,00,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। अब पशुपालकों को मछली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलना शुरू हो गया है। यानी हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है, अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है, 0 बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि किसानों के जीवन में जो बंदिशें हैं उनको खोला जाए। इस दिशा में अनेक कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक अध्ययन किया और इसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री जी कृषि सुधार की दृष्टि से 3 कानून लेकर आए, जिनको लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया। उन कानूनों का लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिलने वाला था और उन कानूनों के पीछे प्रधानमंत्री जी की साफ नियत थी कि किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। लेकिन मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। मैं इस अवसर पर उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर, कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, किसान संगठनों ने इन लाभों को समझाने की कोशिश की। मैं निश्चित रूप से उनका बहुत आभारी हूँ। प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात की कोशिश की थी कि इन सुधारों के बाद
देश के कृषि क्षेत्र में बदलाव आए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण कुछ किसानों को इन कानूनों में आपत्ति दिखाई देती थी। यद्यपि तर्क के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। तो लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि किसानों के साथ देश का विकास हो सके। अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और आप सभी जानते हैं कार्यक्रम में तीन सेगमेंट हैं। पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद आपको दिखाएंगे कृषि स्टार्टअप में एक खास जानकारी, और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज विज्ञान और किसान में आपके लिए क्या है खास। किसान बहनों भाइयों, औषधीय पौधों की खेती अब बड़े पैमाने पर होने लगी है, और इसी के लिए हरियाणा स्थित हमारा हिसार कृषि विश्वविद्यालय किस तरीके से अपनी सेवाएं किसानों को दे रहा है, आइए देखते हैं। हरियाणा में अश्वगंधा, हल्दी, गिलोय, चंद्रसूर और इसबगोल जैसे कई तरह के औषधीय पौधे उगाए जाते हैं। अभी रबी का मौसम है और ये समय इसबगोल और चंद्रसूर की बुआई का सही समय है। नवंबर का महीना बुआई के लिए सबसे सही समय है। चंद्रसूर के लिए बहुत ज्यादा तकनीक की जरूरत नहीं है, इसे सरसों की तरह ही बोया जाता है। बीज के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क किया जा सकता है। जो भी कोई किसान भाई खेती करता है या कोई भी सरकारी एजेंसी बीज उत्पादन करती है तो मुख्य रूप से वो बीज हमारे यहीं से लेके जाते हैं और आवश्यकता अनुसार यहाँ पे बीज उपलब्ध होता है। किसान भाई को पहले बताना पड़ेगा साल भर पहले, ताकि हम उसका बीज उसको तैयार करके दे सकें। इसके अलावा हमारा एक टिश्यू कल्चर का सेंटर है यूनिवर्सिटी का, वो भी टिश्यू कल्चर के द्वारा कुछ पौधे तैयार करने की अभी स्कीम चल रही है, और आशा करते हैं कि अगले साल तक वो टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार करके किसानों को देने में सक्षम होगा। इसबगोल के पौधे गेहूं से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन इनकी बढ़वार सिर्फ दो बालिश्त की ही हो पाती है। गेहूं की तरह ही इस पर भी एक छोटी सी बाली आती है जिसमें बीज लगता है। इसबगोल पाचन तंत्र को मजबूत बनाने का काम करती है। अब जो समय चल रहा है, रबी का मौसम आ चुका है, तो इस समय हम इसबगोल और चंद्रसूर की बिजाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे उपयुक्त जो समय है वो ये जो नवम्बर का महीना है, ये पूरा महीना उपयुक्त रहता है। चंद्रसूर की बिजाई ठीक उसी तरह से होती है जिस तरह से हम सरसों की खेती करते हैं, तो इसमें एक एकड़ के लिए लगभग 2 किलो बीज पर्याप्त रहता है, और खूड से खूड की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा थिनिंग करके पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर कर लेते हैं। और जो इसका बीज है वो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से ही मिलेगा। इसकी हमारी एक किस्म है HLS4, उसकी खेती हरियाणा में कर सकते हैं। इसके बाद में इसबगोल है, इसबगोल की हमारी किस्म है HF5। इसका भी एक एकड़ के लिए 2 किलो बीज पर्याप्त रहता है, जिसमें कि हम खूड से खूड की दूरी सिर्फ 20-25 सेंटीमीटर रखते हैं, और इसमें जो पौधे होते हैं वो लगभग गेहूं से मिलते जुलते होते हैं, परंतु उनकी जो बढ़वार होती है वो सिर्फ 2 बिलांद की होती है। उन पर छोटी सी एक बाली आती है, उस बाली में एक सिलेंड्रिकल शेप का सीड होता है, उसके चारों तरफ झिल्ली होती है। वो जो झिल्ली होती है उसका उपयोग हम औषधि के रूप में कर सकते हैं, और वो मुख्य रूप से जो हमारे जो पाचन तंत्र सिस्टम को ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ बनती हैं उनमें उपयोग होता है। हमारे दस्त और जो कब्ज है दोनों को वो ठीक करने के लिए कारगर रहता है, तो इसलिए इसकी मार्केट में अच्छी डिमांड है, और इसकी प्रोसेसिंग में भी कोई ज़्यादा वो समय नहीं लगता और आसानी से हो जाती है। तो हरियाणा के जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है उसमें इसकी खेती हम आसानी से कर सकते हैं। लगभग 1 एकड़ से 4 से 6 क्विंटल बीज हमें प्राप्त होता है, और उस बीज से 1 से 1.25 क्विंटल भूसी प्राप्त होती है जो कि औषधीय उपयोग में की जाती है। औषधीय पौधों को अलग खेत में लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आम फसलों के साथ इन्हें बोया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एलोवेरा को बाग में, गिलोय को खेत के 4 दीवारी पर, और सतावर को खेत के चारों ओर बाड़ के रूप में लगा सकते हैं। सरकार ने भी उपक्रम चलाया कि किसान की आय दोगुनी की जाए या किसी तरह से आय बढ़ाई जाए, तो जो औषधीय पौधों की मतलब हम डायरेक्ट खेती ना करके
अपने सहयोग के रूप में खेती कर सकते हैं। जैसे कि एलोवेरा को हम बाग में कहीं भी जो खाली जगह है वहाँ लगा सकते हैं। इसके अलावा जो गिलोय है वो जो आपके खेत की चारदीवारी है उसके साथ साथ लगा सकते हैं। इसी तरह से एक हमारी फसल सतावर है, सतावर के भी कांटेदार बेल सी होती है और नीचे सतावर है वो मूली जैसा होता है, वो जमीन में रहता है, तो उसको भी हम बाड़ के रूप में खेत के चारों तरफ उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक अतिरिक्त आय का एक किसान के लिए एक अच्छा साधन है। और जिस किसान भाई के पास यदि जमीन खाली पड़ी है, रेतीला इलाका है, तो उसमें इनकी खेती वो लाभप्रद रहेगी। बाकी जो आपकी जो आम अच्छी जमीन है उसमें मैं यही कहूँगा कि आप और कोई सब्जी वाली चीजें लगाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहां वक्त उछला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं कृषि स्टार्टअप में आपके लिए क्या है खास।
किसान बहनों भाइयों, हमारे देश की जो महिला किसान हैं वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं कृषि क्षेत्र को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए और इस देश को विकसित देश बनाने के लिए भी। खास तौर से अगर बात की जाए कर्नाटक के एक ऐसे जनजातीय क्षेत्र की, जहां पर जो महिला किसान हैं, नाम है इनका अनीता देवी, और कैसे ये खासतौर से टिकाऊ खेती कर रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे टिकाऊ खेती क्या है, तो आप खुद ही जान लीजिए आखिर क्या तकनीक है ये टिकाऊ खेती की। अनीता एम जनजातीय महिला हैं और कर्नाटक के बेटमपेड़ी गांव में रहती हैं। उनका जीवन गरीबी में गुजरा है, सिर्फ 4.5 एकड़ जमीन थी और उसी से किसी तरह घर का गुजर बसर हो रहा था। वो आमतौर पर नारियल, सुपारी, काली मिर्च, धान और सब्जियां उगाती थी। पशु में गाय, बकरी और मुर्गियां भी पाल रही थी। जनजातीय इलाके में इसी तरह से खेती करने का रिवाज है। समस्या ये थी कि इतनी ज्यादा फसलें और पशु पालने के बाद भी अनीता की कमाई बहुत कम थी। इसकी वजह एक ये भी थी कि वो कृषि संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही थी। तब उन्हें टिकाऊ कृषि पद्धति के बारे में पता चला। ये ऐसी पद्धति है जो कृषि संसाधनों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर देती है, फसल लागत को कम कर देती है और जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली है। इस पद्धति को अपनाने में ग्रामीण अभिवृद्धि नाम की गैर सरकारी संस्था के अलावा दक्षिण कन्नड़ के कृषि विज्ञान केंद्र ने भी मदद की। अनीता जैविक खेती की जानकारी के लिए गोष्ठियों में शामिल हुई, किताबें पढ़ी, पत्रिकाएं और समाचार पत्र पढ़े। आज वो एक गैर सरकारी संस्था की सक्रिय मेंबर हैं और जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही हैं। वो कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से चल रहे क्षमता विकास कार्यक्रम से भी जुड़ी हैं। इसके अलावा वो आत्मा योजना और प्राकृतिक कृषि विकास योजना कार्यक्रम में भी सहयोग दे रही हैं। यहाँ उनका काम अलग अलग स्कीमों के बारे में किसानों को शिक्षित करना और सलाह मशवरा देना है। आत्मा योजना और शून्य बजट कृषि के तहत उन्होंने किसानों को भी प्रेरित किया और 80 किसानों को लेकर समृद्धि रायता गुम्पू के नाम से स्वयं सहायता समूह बनाया। ये ऐसा समूह है जो जरूरतमंद किसानों की आर्थिक सहायता करता है। अनीता ने वर्षा जल संरक्षण, कृषि मशीनीकरण, मृदा जांच पर आधारित कृषि, चारा उत्पादन, बकरी पालन, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, पलवार और टपक सिंचाई तकनीक को अपनाया है। इस तरह की कृषि प्रणाली को अपनाकर अनीता ने पशुपालन से 3 लाख रुपए, सब्जियों से 2,60,000 रुपए, धान से 45,000 रुपए, वर्मी कम्पोस्ट से 1 लाख रुपए और गाय के गोबर से 50,000 रुपए कमाए। इस समय वो 400 किसानों को कृषि, पशुपालन और सरकारी योजनाओं के बारे में सलाह देने का काम कर रही हैं। अनीता से प्रेरित होकर करीब 15 किसान अब तक जैविक खेती अपना चुके हैं और 6 किसान बकरी पालन के काम में लगे हैं। इस कामयाबी पर अनीता को जिला सतह के कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो जाना आपने समन्वित कृषि प्रणाली, जिसे टिकाऊ खेती के नाम से हमारे किसान जानते हैं, इसको अपनाकर ना सिर्फ अपनी लागत को कम कर रहे हैं बल्कि अपने मुनाफे को भी बढ़ा रहे हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए आपको जानकारी देते हैं फार्मिंग इंडिया में, खासतौर से मधु शक्ति परियोजना के बारे में। हम सभी जानते हैं मधुमक्खी पालन क्षेत्र में अब हमारे जो किसान हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन खासतौर से जब शहद की हम बात करते हैं, शहद उत्पादन में किस तरीके से उनकी रुचि आ रही है और कितना फायदा उनको मिल रहा है, आइए देखते हैं। कई
कई वर्षों से केवी के पुणे क्षेत्र में महिला किसान कई तरह की फसलों की खेती कर रही हैं, जैसे गेहूं, दलहन, तिलहन, फल और सब्जियां। पिछले कुछ सालों में कई फसलों के परागण में कमी देखी गई है, जिससे उपज में 20-70% की कमी आई है। किसानों की आय में कमी होते देख केवी के पुणे ने किसानों के लिए मधुमक्खी पालन को विकल्प के रूप में चुना, ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके। चूंकि परागण और अन्य फसल की उपज में वृद्धि लेने में मधुमक्खियां मददगार साबित होती हैं। वर्ष 2019 में मधुमक्खी पालन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र नारायण गांव, बी पॉजिटिव नई दिल्ली और केंद्रीय मधुमक्खी पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पुणे ने मधु शक्ति परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना को बी पॉजिटिव और पीएचडी ग्रामीण विकास फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से सहायता भी प्रदान की जा रही है। केवी के नारायण गांव द्वारा जून में आयोजित संवेदीकरण कार्यशाला में लगभग 295 महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला के बाद इनमें से 100 महिलाओं को मधु शक्ति परियोजना के लिए नामांकित किया गया। प्रमाणित मधुमक्खी पालक के रूप में इन नामांकित महिलाओं को कक्षाओं और व्यावहारिक सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया गया है। प्रशिक्षण पूरी करने के बाद प्रत्येक महिलाएं मधुमक्खी बक्से की आपूर्ति कराती हैं। केवी के नारायण गांव मधुमक्खी पालक महिलाओं को तकनीकी सलाह और मदद प्रदान करती है, साथ ही प्राप्त उत्पादों जैसे शहद को बाजार में बेचने के लिए विपणन मंच भी देती है। वर्तमान में लगभग 239 किलो शहद बिक्री से अभी तक 95,600 रुपए की आमदनी की जा चुकी है। कुछ किसान महिलाएं प्याज और अनाज जैसी फसलों में परागण के उद्देश्य से बीज उत्पादन के लिए स्थानीय गांव के लोगों को किराए के आधार पर मधुमक्खी के डिब्बे मुहैया कराती हैं। इस सुविधा में स्थानीय गांव वाले प्रति माह 1,000 रुपए प्रति बॉक्स ले सकते हैं, जिससे वे प्रति सीजन 10,000 रुपए तक अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं। मधु शक्ति परियोजना के तहत महिलाओं को मधुमक्खी पालन, उनकी देखभाल, रोग एवं कीटों से बचाव, शहद निकालने आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जाना आपने आज कृषि दर्शन में किस तरीके से देश के जब विकास की बात की जाए, विस्तार की बात की जाए, इसमें कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है और उससे संबंधित नवीनतम जानकारी आपके लिए लेकर हम रोज आते हैं। अब आइए आपको बता दें, आप इस जानकारी को डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए और उसके बाद यूट्यूब के माध्यम से आप ये सारी जानकारी देख सकेंगे कभी भी कहीं भी। इसके साथ ही आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। इसके साथ ही आप पत्र व्यवहार के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतजार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का भी। कृषि संबंधित ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। बदलते भारत की शान।